नमस्कार दोस्तों, गंगा इंडियन फूड चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। चलते हैं हम चूल्हे के पास देखते हैं कि क्या आज हम बनाएंगे। आज हम मैगी बनाएंगे और 2 मैगी है 2 पाकिट। मटर है निकोला हुआ धरे हैं छील के, और टमाटर है 4 ठी, प्याज है 2 ठी छिल के उतार लिया हूँ छिलका इसका, और 3 मरचा हरा है आधी का टुकड़ा है, 1 लहसुन है, हरी पत्ती है धनिया का। इसके हम पहले प्याज के काट लेते हैं। हम छोटा छोटा प्याज के काट लेते हैं। प्याज हम काट लिया है प्याज, और उसके हम लहसुन काट लेते हैं छोटा छोटा करके। काट लिया हम मरचा काट लेते हैं। मरचा हम काट लिया, और अब आधी के काट लेते हैं छोटा छोटा करके। आधी हम काट लिया हूँ, और इसके हम टमाटर काट लेते हैं छोटा छोटा करके। टमाटर हम काट के रख देते हैं, और अब हम धनिया पत्ती काट लेते हैं। छोटा छोटा करके हम धनिया काट लेते हैं पत्ती धनिया का। हरी धनिया हम काट के रख लिया हूँ। चूल्हे में अब आग हम जला लेते हैं। आग हमारा जल गया है, अब हम कढ़ाई धर देते हैं चूल्हे पर। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। अब कटा हुआ हम मरचा नाय देते हैं, हरा डाल देते हैं। फिर हम प्याज डाल देते हैं कटा हुआ। लहसुन डाल देते हैं कटा हुआ, काट के रखी हूँ। अदरक डाल देते हैं काट के रखी हूँ। इसके हम पहले अच्छे तरह से धीमी आंच में भूज लेते हैं। आज हमारा लाल हो गई है, अब इसके हम डाल देते हैं धनिया पाउडर डाल देते हैं, और हल्दी पाउडर डाल देते हैं। देखिए लाल मिर्चा डाल देते हैं कश्मीरी। थोड़ा सा हम छोला मसाला डाल देते हैं। हम कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। नमक हम डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से, स्वाद अनुसार। इसके हम चला लेते हैं। थोड़ा हम पानी डाल देते हैं। इसके हम ढांक देते हैं। जब पानी हमारा उबाल आने लगे तब इसके हम मैगी डाल देंगे। मैगी हम फाड़ के तब से निकाल लेती हूँ। मैगी के हम फाड़ के रख लिया हूँ, और इसका मसाला हम निकाल लेते हैं। इसके थरिया हम उतार के देख लेते हैं। हमारा पानी उबल रहा है पानी इस मसाले का। अब इसके हम मैगी डाल देते हैं। इसके हम ढांक देते हैं। अब इसके हम उघार के देख लेते हैं मैगी की। उघार के देख लेते हैं पहले। चला देते हैं।
तो मसाले हम डाल देते हैं। दुई मैगी रहा, दुई मसाले हम डाल देते हैं, फिर हम चला देते हैं। ढाक देते हैं मैगी मसाले अच्छे से पक जाए। देखिए हम उबाल लेते हैं, मैगी हमारा पक गई है अच्छे से। अब इसके हम चूल्हे पर से नीचे उतार लेते हैं, इसके नीचे उतार लेते हैं, इसके हम ढाक देते हैं थोड़ा टाइम। अब कुछ टाइम हो गया है, मैगी को हम उघाल लेते हैं। इसके हम धनिया पत्ती हरी कटी हुई धरे रहे। अब इसके हम डाल देते हैं, पत्ती डाल दिया हूँ और इसके हम चला लेते हैं। और हमारा मैगी बन के तैयार, हमारा मैगी बन के तैयार हो गई है। हमारा मैगी बन के तैयार हो गई है और इसके मैगी के बच्चों भी बहुत पसंद करते हैं, खाते हैं। और दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? आपके अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।